और उसके बाद सेम प्रोफेशन ट्यूशन में आ गए भाई एंड देन मेक इट दिस। आई थिंक आप में से ज्यादातर स्टूडेंट कॉमर्स वाले हैं ना, ज्यादातर। बट वीडियो देखते टाइम लग नहीं रहा था यार ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, थोड़ा चिल्लाना शोर शराबा सब एकदम चिल आउट पड़े हैं, ऐसा दिखा रहे हैं जैसे हाँ यार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। एक बार और, क्या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं? ओके तो जब ऐसे म्यूजिशियन आते हैं ना स्टेज पे तो आने वाले अपकमिंग स्पीकर्स का हाथ में खुल जाते हैं भाई अब क्या यार है, क्योंकि स्टूडेंट बोल आउट ऑफ अनेबल, क्योंकि वो बंदा माइंड रीड कर रहा है, लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम जान रहा है, है? अब क्या करना है भाई, हम क्या जाके वहां पे क्या पढ़ेंगे, है कि बेटा ये करो वो। बट अच्छा लगता है ऐसे लोग आते हैं और आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना एक अपने आप में अचीवमेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया तब यहाँ पे आए और हम जैसे लोग ना कुछ करके आ गए, तो ये भी चीजें ज्यादा मायने रखती है। बट एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, मतलब मैं भी एक कॉमर्स स्टूडेंट ही रहा, तो ट्वेल्थ के लास्ट टाइम में पता क्या होता है, जब आते हैं ना बहुत हेडेक शेड्यूल रहता है, तो हेडेक शेड्यूल के टाइम पे क्या होता है कि किसी फ्रेंड ने या फिर किसी रिलेटिव ने पूछ लिया बेटा आप क्या कर रहे हैं, तो एक ही जवाब कुछ करना है लाइफ में अचीव करना, तो लाइक फोकस करो एग्जामिनेशन में। और उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कॉलेज का कौन सा इरादा है, मतलब पागल है क्या, अबे कोर्स कर रहे हैं टाइम थोड़ी बर्बाद कर रहे हैं, तीन साल कॉलेज में जाके ऐसे नहीं करना भाई, कॉलेज वॉलेज अब कोर्स कर रहे हैं लाइफ में कुछ अचीव करना है यार। बोला ठीक है, एग्जामिनेशन दिए, रिजल्ट आ गया, कितने आए 95, कितने आए। फिर वो बंदा आता है पूछता भाई कौन सा कोर्स कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कौन सा कोर्स कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बोला यार दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई, कोर्स वोर्स देखेंगे बाद में, दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले एंड देन ज्वाइनिंग। तो ये है अचीवमेंट, सबसे पहले आप अपने लिए सबसे बड़ी एक बार तालियां बजाएंगे, बिल्कुल कसके यार, यू आर अचीव द लॉट। तो बंदा मुझसे पूछता भाई तेरे कितने थे 100, तेरे कितने थे 99, इतना तो अपना फोन ऑन वाला भी भाई का भी नहीं। ये एक अचीवमेंट है आप लोगों के आज के इस टाइम पे, 20 मिनट मिले हैं अप्रोक्सीमेटली भाई का होंगे, और मैं आपको 4 पॉइंट्स कहूंगा। बाकी बहुत से स्पीकर्स ने कहा कि लाइफ में बहुत कुछ अचीव करिए, कुछ माइंडसेट करिए, कुछ बड़ा बनिए, मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। आई थिंक अगर आपने उसे अपनी लाइफ में अचीव करा, इंप्लीमेंट करा, तो यू गॉट अ फायर, कुछ भी कर सकते हैं आप, डजंट मैटर स्टडी क्या कर रहे हैं क्या नहीं था, इतना पढ़ा क्या किया, जो कर रहे हैं सब कुछ कर लेंगे। उससे पहले मैं फर्स्ट चीज बताना चाहूंगा आपको, एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, देखिए जवाब, चिल आउट हो जाए थोड़ा सा, देखिए जवाब, और उस क्वेश्चन से ना मेरे को जज मत करना, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो फेसबुक हाथ खड़े करेंगे, साथ यार कुछ लोग पीछे भाई, नहीं आप लोग नहीं, एक बार खड़े रखिए प्लीज। ओके ग्रेट ग्रेट, मतलब ऑलमोस्ट 80% है यहाँ पे, लॉयल काफी है यहाँ पे, बाकी लोग तो बंद। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पूछोगे कुछ लोग पीछे वाले करते राहुल गांधी टाइप सवाल पूछ ले इसमें, अलग कुछ ही पूछ लेता है। ओके मेरा पहला पॉइंट था वो बेसिकली यही था कि रीड योर माइंड। आप अपनी लाइफ में स्टडी कर रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक बहुत से लोग आपको मिलते होंगे, कितने हैं आप में से जो दिन के रात को सोने से पहले ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ यार आज दिन में एक बंदा ऐसा मिला जो थोड़ा सा हटके था, कितने लोग हैं ऐसे। ओके बाकी लोग तो वह है कि मोमोज वाले से मोमोज खाने का पूछते कितने का हो गया, 25 का, 5 की और दे दे, 5 की और दे दे, बोले हाँ इस टाइप के बंदे मिले थे यार कुछ लोग। ओके ग्रेट, तो मेरा फर्स्ट एक्चुअली मैं चाहूंगा कि ये चीज आप माइंडसेट रखें जो मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करा है और तभी मैंने बहुत कुछ अचीव करा है। मैं बहुत अपने आप में हैप्पी महसूस करता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने जॉब्स करी, मैंने अपना खुद का काम स्टार्ट किया, मैंने जिस भी टाइम फ्रेम में था ना मुझे अच्छा लगता था, मैंने कभी ये नहीं सोचा लाइफ में सीरियसली कि लाइक यू नो जॉब्स नहीं करनी है नॉल, जो होना है देखेंगे, बट एक टारगेट था कि मुझे जाना कहाँ है। वही चीज अभी मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताता हूँ। आज से कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक इवेंट खत्म किया, ऊबर टैक्सी ली मैंने वहां से, और जब मैं टैक्सी में बैठा तो जनरली क्या होता है कि वो पूछता है या कभी नहीं भी पूछता कि भैया कहाँ जाना है, इस बार उसने मुझसे नहीं पूछा, तो मेरी एक आदत है बहुत बोलने की, तो मैंने पूछ लिया कि भैया क्या आप यहीं रहते हैं जहां मैं बेस्ड हूँ वहां से है, तो नहीं सर मैं इधर ही हूँ। उसकी टोन से मेरे को लगा कि ये वेल एजुकेटेड है, क्या लगा उसकी टोन से, वेल एजुकेटेड है। मैंने कहा कुछ बात की जाए इससे, तो मैंने पूछा कि यार अच्छा आप क्या करते हैं लाइक बाय प्रोफेशन आप यही चलाते हैं, मैंने कहा कि इसकी इंसल्ट ना करूं, मुझे ये ना लगे कि मैं इसे कह रहा हूँ कि तू ड्राइवर है ना,
मैंने उससे बोला कि आप भाई प्रोफेशन यही करते हैं या आपके पापा लाइक गाड़ी फिर कभी कभी आ जाते हैं? तो इसे टाइम की सर बड़ा एक अलग सा इंसिडेंट है मेरे साथ। मैंने कहा क्या यार बता थोड़ा सा। कह रहा सर मैं जनमन बोलता हूँ और मैं पीपीओ में जॉब करता हूँ। मैं कहा है और उबर ड्राइवर? मैं कहा भाई पहली बार देखा यार, लोग तो कहते हैं डबल एमबीए डबल बीटेक लेके एक पड़ा हुआ हूँ। कह रहा सर मैं जॉब भी करता हूँ और उबर की टैक्सी भी चलाता हूँ। ये क्या सर भैया? तो इसे कि जब भी मैं अपनी जॉब करता हूँ ना तो आज कलीग्स वगैरह कहते हैं अरे यार 10,000 रुपए लग जाते हैं तेल के, अरे यार 5,000 लग जाते हैं मेरे, अरे मेट्रो में तो 4,000 लग जाते हैं मेरे। मैंने कहा इसका कोई तोड़ निकालना चाहिए। उसने कहा मैंने एक टैक्सी ली और मैं जब घर से राइड करता हूँ ऑफिस के लिए, एक बंदा बिठा लिया पैसे भी बन गए ऑफिस भी आ गए, यहाँ गाड़ी लगाई जॉब कर ली बाहर निकला फिर आईडी की गाड़ी फिर बिठाया पहुंचे पैसे कमा लिए। ये सर वो उसने एक आइडिया सोचा। ये सर बाकी जहां उसके अपने उसकी जो ऑफिस में बाकी लोग थे दिन भर किस बात से रोते थे? 10,000 लग गए 4,000 लग गए। माइक ही डिसाइड करता बंदा है कैसा, वही जज कर लेता है। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा था, जहां पे उसके फ्रेंड दिन भर इस बात के लिए रोते थे कि मेरे 4 लग गए मेरे 5 लग गए मेरे 6,000 लग गए 10 लग जाता यार बचता ही नहीं है कुछ, वहां पे ये इस माइंड सेट से निकल चुका था। क्यों? क्योंकि इसने एक प्रॉब्लम देखी उसका सॉल्यूशन निकालने लग गया। इसने वो नहीं सोचा कि मुझे एक उबर टैक्सी लेनी है 4-5 टैक्सी लेनी है खुद का एक बिजनेस सेटअप करना है एट ऑल। क्या किया टैक्सी भी अपना काम निकाल गया बड़ा चिल आउट रहता है बोलता सर सारा काम इससे निकल जाता है। उस टाइम मैंने सोचा यार क्यों ना मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे अनप्रोडक्टिव चीजें हैं जिसको मैं बहुत इग्नोर करता रहता हूं उसको मैं काम में ले आऊं। अगर मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूं तो कुछ रीड कर लूं और वही चीज रीड करूं उससे पहले एक बार डिसाइड करूं कि अगर मेरे पास 10 मिनट है तो उसमें मैं कुछ ऐसा काम करूं कि एक्चुअली मुझे याद हो कि हाँ वो 10 मिनट मेरे प्रोडक्टिव थे। यस और नो? क्या वो लाइफ हम नहीं रखना चाहेंगे आज के बाद? क्या आज आप जाने के बाद यहां से रात को सोने से पहले एक बंदा ऐसा ढूंढ पाएंगे जो ये जज कर पाए कि यार वो दिन में कुछ अलग था? ढूंढ पाएंगे कि भाई भाई 5 के और देती यार 30 के हो जाएंगे तेरे है? ऐसा नो? पहला पॉइंट ग्रीड माइंड सेट, लोगों का माइंड सेट जज करें। कितने ऐसे हैं यहां पे जो कॉलेज के अलावा अपना एक साइड कोर्स करते हैं? क्योंकि सेकंड मेरा है टेक अ कोर्स। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लेकिन इसके अलावा एक कोर्स करिए। तो कुछ बच्चे के माइंड में रहा सीए तो कर रहा हूं मैं सीएस तो कर रहा हूं मैं, अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बाकी जो लोग हैं अपार्ट फ्रॉम कोई सा भी एक कोर्स जरूर करिए। कितने लोग हैं जो करते हैं इसके अलावा? जरूर ग्रेट जॉब्स करिए कुछ भी करिए बट एक साइड पार्ट करिए। वो जॉब भी तो आपने एक नॉलेज ही दे रहा है कुछ सिखा तो रहा है वहां पे। बॉस बड़े खरूस होते हैं है, बॉस ही बनना है ना लाइफ में। क्योंकि मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ लाइव प्रैक्टिकल मेरे साथ लाइव रहता है क्योंकि मैं एवरी डे जज करता हूँ बंदे को। लोगों को लगता है ये ऐसे मिलना टाइप होगा लेकिन आई जज एवरी टाइम क्योंकि मैं आपको इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टीचर हूँ ऑब्वियसली ट्यूशन पढ़ाया बहुत जगह दिल्ली में 10 साल हुए पढ़ाते हुए। मेरा एक स्टूडेंट था छदेश सक्सेना ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था गिटारिस्ट था उसका दिन बन गया वो गिटारिस्ट बन गए। तो उसका एक फ्रेंड आता है मैं ऑडिशन पढ़ा रहा था तो नोटे उनकी मॉम ने कहा कि सर आप लंच साथ कर लेते हैं। मैं ठीक है मैं उनकी मॉम के साथ लंच कर रहा था और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है तो उसके फ्रेंड ने कहा भाई अब क्या करना है? मतलब पागल है ग्रेजुएशन वेजुएशन तो पापा मम्मी के भरोसे अपन तो ये करेंगे और सीधा फॉरन भाई बैंड वैंड ज्वाइन कर रहा है एमबीए भी मेरे बस की नहीं है। और उसने कहा एमबीए बेकार है भाई मेरे बस की नहीं है। उसके फ्रेंड ने पता क्या कहा भाई बिल्कुल तो एमबीए मत कर लेकिन सोच कि तू जिंदगी भर गिटार लेके स्टेज पे आ गया डिंग 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 यही करता रहेगा क्या? कि तू सोचेगा ना गिटार बजाते बजाते कि मेरे साथ 10 ऐसे गिटारिस्ट हो तो मेरे अंडर काम करें क्या सर? yes. सोचेंगे उस टाइम तुझे एक बिजनेस माइंडसेट की जरूरत होगी। इसकी जरूरत होगी उस टाइम तुझे महसूस होगा कि काश यार एमबीए कर लेता काश यार मैनेजमेंट कर लेता। अब बहुत से लोगों ने चल यार एमबीए का फॉर्म भरते ऐसा तो नहीं है माइंडसेट की जरूरत। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? लाइफ में कोई भी चीजें बुरी नहीं होती ये मैंने वहां से सीखा कि अगर वो कह रहा था एमबीए भले एमबीए में तो ऑफिसर को नाम ले ऐसा है नहीं अफवाह है सब है जॉब लेकिन मुझे वहां एक सीख तो मिली। यस अगर मुझे खुद का कभी सेटअप करना होगा उस टाइम मुझे मैनेजमेंट की जरूरत होगी उस टाइम के लिए अभी पढ़ लेता। तो कितने से लोग हैं जो कोर्स करना चाहेंगे? जरूरी नहीं कि आप सीए करें सीएस करें। अरे डांसिंग का करिए सिंगिंग का करिए ड्रम सेट बजाने का करिए गिटारिस्ट बनिए कैमरा चलाना सीखिए ग्राफिक डिजाइनिंग करिए कुछ तो करिए। जरूरी नहीं कि जो कोर्स आप कर रहे हैं भैया आपको सक्सेस के अचीवमेंट में मिले। लाइफ में मैंने अभी तक 4 प्रोफेशन चेंज किए हर एक में 1,00,000 रुपए की जॉब कमाता था मैं अच्छी खासी फिर भी छोड़ दिया
लोग लगता भाई अब क्या, लोग अभी भी पूछते हैं कब क्या करेगा। जरूरी नहीं है इनके 20 से 25 साल मिले आपको लाइफ में, जो करना चाहते हो मेरे भाई कर लो, यही वो स्टेज है। सर ने कहा कि जॉब सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब तो आप कर लोगे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कर लोगे, लेकिन मैं भी एक बार ऐसे ही बोल रहा था बहुत ज्यादा, तो लोगों ने कहा फ्लो फ्लो में बोल गए या सोच भी रहा था। जॉब सर इंपॉर्टेंट, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपको सिखाता है, आपको बनना क्या है वो तो एक माइंड सेट है अपना, लेकिन वो भी करना जरूरी है। अगर आपको कहीं जॉब्स मिले तो ये इंपॉर्टेंट है यार, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज मैं यहां खड़ा हूं मेरे साथ दो लोग आए हैं तो वो जॉब्स कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं खड़े कि जिंदगी भर इसी बंदे के पीछे पीछे चल रहे हैं। दे नो अबाउट इट कि हाउ आई बिहेव, मैं कैसा बिहेव करता हूं वो सीख के वो भी कुछ बनना चाहेगा अपनी लाइफ में। यस और नो? यस। तो दो पॉइंट समझे आपने, पहला कौन सा पॉइंट था, रीड अ माइंडसेट, और सेकंड क्या था, टेक अ कोर्स। कितने लोग हैं जो मेरी बात सुनने के बाद, ट्रू फैक्ट, यहां से जाने के बाद सोचेंगे कि हर एक कोर्स तो साइड में करना है, कितने ऐसे लोग हैं? गुड, जरूर करना है, एक आध कर लेना। और कितने ऐसे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अरे जो मुझे अपॉइंट किया वही बनना चाहता है, घर का बेटी लंका डाय यही कर रहा है पूरा गेम। ओके, थैंक यू सो मच। दो चीजें आपने समझी, यार लाइफ में अगर डेल यूनिवर्सिटी में है तो एक साइड में एक ऐसा कोर्स करिए जो आपके करियर को एनहेंस करे, कहीं भी आप चाहे तो लोग आपको अप्रिशिएट करें उसकी वजह से। थर्ड, फिर से वही सवाल जो मैंने पूछा था सोशल मीडिया वाला, बहुत से लोगों ने जवाब दिया था, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मैं चाहूंगा कि आप सब उसके आंसर्स राइट दें। आप में से कितने लोग हैं जो मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और बायोग्राफी मंथ में दो बार पढ़ते हैं? गुड, आप तो चाहते नॉलेज होनी चाहिए, आप यहां जाओ, बाकी लोग तो सुन रहे हैं सर आपको। ग्रेट, बुक्स इज इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैंने लोगों को पढ़ा है। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो किताबें पढ़ो, क्योंकि किताबें बहुत कुछ सिखलाती हैं आपको। टेक्स्ट बुक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम मिले तो बायोग्राफीज पढ़िए। लोग जब भी आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स की नॉलेज रखेंगे, जब आप मैम के सामने, सर के सामने बैठेंगे तो वो आपको इंटेलेक्चुअल समझेंगे, बोलेंगे यार तुम्हें काफी नॉलेज है, वो आपसे काफी इंप्रेस होंगे और इनकी इंप्रेसिंग आपको आगे बढ़ाएंगे। तो बुक्स, बुक्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोग्राफी, इंस्पिरेशन बुक, एवरी मंथ में एक बार तो जरूर पढ़िए। लेकिन तो आपने कभी पहले कुछ भी फाड़ लेगी, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्लान, वो मेरी एक लाइन है कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। यस और नो? अगर आप ईंट जोड़ते रहेंगे तो क्या घर बन जाएगा? नहीं, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। जब तक प्लान नहीं करेंगे अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे क्या करना है, कहां जाना है, उस जाने के लिए ये मैटर ही नहीं करता कि वही कोर्स करके जाना, अरे जो मिले, जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे ग्रैब करिए, उससे आप जरूर कुछ सीख के, वहां से जरूर कुछ ना कुछ तो सीखेंगे आप, और वो वहां पे काम आएगा। वॉल्ट डिज्नी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक राज बॉस बना देगा और वो आगे बढ़ जाएगा, उसने बना दिया, वो फेमस है। क्या उसका प्लान था कि वही करना है लाइफ में? क्या प्लान था उसका? नहीं, कर दिया उसने, आज वो अचीव है। लोग कहते वाई बोलेगा अगर क्या बना दिया, उसने कभी नहीं सोचा था। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए। और लास्ट ऑप्शन, टेक एक्शन। कितने आप में से लोग हैं जो प्लान बनाते हैं? मुझे लगता है आप में से सभी, इनफैक्ट टीचर्स हमारे, ये भी अपनी लाइफ में एक प्लान बना कुछ अचीवमेंट करते होंगे। आप में से कितने लोग प्लान बनाते हैं कि हाँ मुझे ये करना है? एक बार प्लीज हाथ खड़े करिए। बहुत से लोग तू सिखा रहा है, आप तो रोज बनाते हैं, प्लीज एक बार हैंड रेज करिए। कंप्लीट ऐसे करेक्ट, कितने लोग हैं जो उसको इंप्लीमेंट करते हैं? बहुत कम। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने हाथ नीचे करे थे ना, उनमें से 5 या 10 के अगर आप एक्शन लेते तो जरूर सक्सेस हो जाते। कभी देखा है कि 10 लोग गए और 10 फेल हो गया, कभी हुआ ऐसा? नहीं। अरे 4 तो पास होते, क्या पता उन 4 में से आप होते। यस और नो? करेक्ट है। तो ये चीज करिए लाइफ में, अगर आप प्लान करते हैं तो टेक अ एक्शन। अगर लाइफ में एक्शन नहीं लेंगे ना मेरे भाई, तो कोई अचीवमेंट नहीं होगा। मैं अच्छी खासी कार से जाता था पढ़ाने के लिए, दिल्ली के पॉश बच्चे पढ़ाता था वहां पे, दे ऑल आर लाइक जीडी गोयनका स्टूडेंट्स और वसंत वैली जो टॉप स्कूल थे उनके बच्चे पढ़ा दिए। और उस टाइम मैंने कैमरे लेके ऐसी वीडियो बनाई थी, पहली बार जब करियर काउंसलिंग सोचा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेश, स्वागत है आपका महात्मा जी टेक्निकल में। यस, ये वीडियो बनाई थी और एक के फादर ने बोला था सर सही कर रहे हो आप, मैं सही कर रहे हो। अगर उस टाइम मैं छोड़ देता वो चीज, तो शायद मैं आज यहां पे नहीं खड़ा होता। सीरियस,
शायद मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हूँ और आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, अभी भी कौन सा सुन रहे हैं, अभी कौन सुन रहा है भाई, ये तो भ्रम में घूम रहा है। यस सर नो। तो लाइफ में 4 पॉइंट्स जो मेरा था, टेक एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। अरे मैं भी तो ऐसा ही था। अरे ऐसा कहा था, मैं तो इससे भी गया गुजरा हुआ था, ड्रॉप आउट था हर जगह से। ये बनना चाहते हैं जरूर बनेंगे, लेकिन उसके लिए एक प्लान रखिए, वो लाइन जरूर याद रखिए कि सिर्फ ईट जोड़ में से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। अगर आपने ये चीज अपने माइंड में लिख लिया ना, टू अचीव एवरीथिंग एनीथिंग, मैंने यही किया अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को ना एक रियल मॉडल मान लीजिए कि भाई ये अपना बनना है, मुझे ऐसा बनना है, जब तक एक पॉइंट आउट नहीं होगा ना वैसे नहीं बन पाएंगे, भटकते रहेंगे। चार लोग मिलेंगे, यार ऐसा बनना है ना, ऐसा बनना है, नहीं ऐसा बनना है, नहीं। एक को अपना रोल मॉडल मानिए, इसकी तरह बनना है जो इन्हें अचीव करा। आपके टीचर्स यहाँ पे बहुत सारी बातें कहते होंगे, मैं जानता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है, बहुत कुछ होता है कि नहीं। टीचर्स आपको बहुत कुछ सिखाते होंगे, क्या आपने कभी उस पर पॉइंट आउट करा, नोटिस करा कि हाँ यार मुझे ये चीज अचीव करना है। आई थिंक मेरा टाइम कंप्लीट तो नहीं हो रहा। ओके, कुछ लोग कह रहा बोले यार अच्छा बोल रहा है। कुछ अचीव करिए और उस काम को इतनी शिद्दत से करिए कि उसे लगे कि कोई तुम जैसा करने वाला मिला है। ऐसे और माई साइड मैं आपको बताऊं, मैं बिहार से आया था और मुझे कभी छुट्टी लेने में दिक्कत नहीं होती स्कूल में। जैसे इस टीचर के सामने गया, सर घर जाना है, सर सर छुट्टी दीजिए ना सर, तो मेरा क्लास टीचर ही सहता है कहता चल काम चल, लेकिन बगल वाला टीचर कहता था अरे बोले सर घर जा रहे हैं सर, सर छुट्टी दीजिए ना सर। सर दे दो बच्चा बनाया दे दो, अरे दे दो जानते से लड़का अच्छा है। तो मैंने कहा ये टोन बड़ी अच्छी है, छुट्टी मिलती इससे, निकल गया वहां से। मैंने वो चीज छोड़ी और अपने काम में लग गया। ठीक है, 1-2 साल में दोस्तों के बीच में नहीं रहा, लेकिन 4-5 साल बाद जब शक्ति शादी हो गई तो सारे वैसे आ गए, सारे वैसे मिल रहे हैं। और मैं अपने आप को यंग नहीं कहता क्योंकि लगता ही शकल से ये है। तो सर ने बोला तो अपने तो दूर अपना डाले, मैंने कहा अपन है नहीं। यस सर नो। लाइफ में यही प्रिंसिपल फॉलो करिए, मैंने यही 4 प्रिंसिपल फॉलो किए। मैंने भी कई एक्शन नहीं लिए, आपको लग रहा है यार मैंने तो बहुत कुछ छोड़ दिया है, बंदा बात बता रहा। मैंने बहुत लाइफ में एक्शन नहीं लिए, शायद मैं उन्हें अचीव कर लेता। लेकिन अब जो आप सोच रहे हैं, अगर आप अभी भी उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो शायद आप अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या आप लेंगे आज के बाद जो भी एक्शन लेंगे, जो भी प्लान करेंगे? Yes. उसके बाद मेरा YouTube का जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं अपने बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहता। YouTube पे आया, YouTube पे बोलना स्टार्ट किया, लोगों ने सुनना स्टार्ट किया। पहले वॉइस ओवर किया, वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ना इक्विपमेंट नहीं थी, कि मेरे पास कैमरे नहीं थे हैवी, कि मैं कैमरे पे खड़े होकर बोलूं कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज और स्वागत है आप सभी का महत्व टेक्निकल में। मेरे पास ये नहीं था उस टाइम। क्या किया मैंने, उसको एक्सक्यूज नहीं दिया कि मेरे पास कैमरा नहीं है। मैंने क्या किया, वॉइस ओवर स्टार्ट किया, मोबाइल फोन निकाला, मेक इट अ वीडियो, वॉइस ओवर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। आपकी लाइफ में लगता होगा कि यार मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, छोड़ो यार जो है स्टार्ट करो, कुछ नहीं तो कुछ तो होगा, ठीक है ना। और लाइफ में ये कहना चाहूंगा, इसमें लिखा था यार कुछ कर लो भाई, अब खत्म करो यार, बहुत हो गया तुम्हारा, थैंक यू सो मच। और जाते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि जो काम आप नहीं कर रहे हैं वही काम कोई ना कोई तो कर रहा होगा, और जिस दिन तुम उससे मिलोगे वो तुमसे जी जाएगा।